खंडवा के पड़ावा क्षेत्र में रविवार को एक अनियंत्रित वाहन ने 3-4 लोगों को टक्कर मार दी। इस वाहन की गति तेज होने के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक सब्जी विक्रेता महिला ने पुलिस को बताया कि उसे भी अनियंत्रित वाहन चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इससे उसे चोट आई और उसने भागकर अपनी जान बचाई। उसकी दुकान पर सब्जी रोन दिए जाने के कारण उसका करीब 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। पदम नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। रॉन्ग साइड इधर दिलीप जैन के नारियल पानी की दुकान के वहाँ सर, ये इधर ऑटो खड़े रहते ना, यहाँ तक के मेरा ठेला यहाँ तक आ गया, तो सोचो आप गाड़ी कितनी स्पीड 3-4 को मार जाता, 4-5 गाड़ी उनमें, एक कार, 2 बाइक, एक टवेरा, सब में लगी, सब आए हुए है। हट गई, अगर मैं नहीं हटती तो वो मेरे पे गाड़ी चढ़ा दे तो मैं वही खत्म हो जाती। काय की दुकान लगी थी? सब्जी का दुकान लगाती हूँ मैं, ठेला गिरा दिया पूरी सब्जी भाजी 10,000 रुपए की थी, पूरा नुकसान हो गया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुचिता रायकवार है। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं चिबा कॉलोनी से आ रहा था और बस गाड़ी घूमना नहीं आ रहा था, बस स्टैंड के, नए बस स्टैंड के पास आ रहा था। क्या हुआ, कहाँ पर आपको खून उनके दाग भी है? ये मेरे को ये बस सरकारी बस स्टैंड के पास में ये अपने स्कूल ये अपने जीडीसी कॉलेज, यहाँ ये जो कॉलेज है यहाँ पे है ना, हाँ यहीं पर ये हुआ कुछ, इधर से आए और ये गाड़ी एकदम से सामने से ही कुछ तो गई। उसके बाद में कुछ बराबर मेरे को जहन नहीं है, जब एकदम से चिल्ला चोट मची तो मेरा जहन में बराबर नहीं है क्या हुआ वहाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद मेरा नाम, छिपा कॉलोनी रहता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? घर से निकल के गाड़ी धुलवाने जा रहे हैं? हाँ, गाड़ी धुलवाने जाना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।